महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ की खबर को गलत बताया शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने। थाने हिट एंड रन मामले में 21 साल के नौजवान की डेथ हुई, आरोपी फरार, पुलिस की जांच शुरू। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। मराठा रिजर्वेशन एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल का ऐलान, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। बच्चा पैदा करो, देश में बुजुर्ग की तादाद बढ़ती जा रही है, कहा चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। 3 महीने के किडनैप लड़के को वसई पुलिस ने 4 घंटे में किया रेस्क्यू, टीवी एक्टर महिला आरोपी गिरफ्तार। गंदी बात वेब सीरीज को लेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। बैंकॉक से 9 करोड़ का 9 kg गांजा ला रहे पैसेंजर को कस्टम ने पकड़ा, मुंबई एयरपोर्ट से आया मामला सामने। जेजे हॉस्पिटल शूट आउट 1992 मामले के आरोपी को 32 साल बाद मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। शिलार ब्रदर्स को मिला एमएलए का टिकट, 3 sitting MLA वेटिंग लिस्ट में असेंबली इलेक्शन 2024। मालवनी ताजा विवाद में 2 पक्षों में हुआ सुलह, अमन शांति बनाए रखने का वादा किया। मुंबई में बारिश होने की संभावना जताई IMD ने। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में एक और आरोपी को बेलापुर से गिरफ्तार किया मुंबई पुलिस ने। नागपाड़ा चौकी मोहल्ला की गटर में एक बच्ची मिली, गटर में बच्ची को किसी ने फेंका था, जांच जारी। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए बीजेपी ने पूरे राज्य से अपने 99 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जाहिर की। नवाब मलिक की अबू आसिम आजमी के घर में धमाकेदार एंट्री, एक ही दिन में 5 ऑफिस की ओपनिंग। मुमरा में सियासत गर्मा, हिठानी के एक्स मेयर नसीम खान, अजीत पवार गुट छोड़कर जितेंद्र अवार्ड के साथ हुए शामिल। दादर में BST बस और कार की हुई टक्कर। बुरेवली ईस्ट देवीपाड़ा में बारिश के पानी में जाने पर मजबूर हुए लोग, गली न्यूज के व्यूअर ने किया वीडियो साझा। महाविकास आघाड़ी में दरार की खबरों के बीच कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए 22 अक्टूबर को मुंबई में शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वो तो पंचर वाला ही बनाना, देवेंद्र फडणवीस ने मुसलमान की स्थिति खराब करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस और SP पर निशाना साधा। मुंबई के फॉर्मर ACP संजय जगताप शिवसेना UBT में शामिल हो सकते हैं, वाडाला से चुनाव लड़ सकते हैं। पेट पालने की मजबूरियां, कन्नौर दिल्लौन की BB18 में GFLS के पैनिक अटैक का मजाक उड़ाने के लिए मनु पंजाबी से माफी मांगने की मांग। बीजेपी MP नारायण राणे ने कुंडाल मालवन क्षेत्र से बेटे नीलेश राणे के लिए सीट मांगी। अब्दुल समद ने रणजी ट्रॉफी मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाली पहले जम्मू एंड कश्मीर के बल्लेबाज बने।